कूलर के बाहर का टेम्परेचर बात करें तो यहाँ पर है 25, 26, 22, 24, 26, 27 और लगभग है यहाँ पर 30 तक टेम्परेचर जाता है, मतलब कूलर के बाहर। और देखते कूलर के पास कितना टेम्परेचर है। और हम आए गए कूलर के पास और यहाँ पर देख सकते, अगर पास से मैं आपको दिखाऊँ कूलर के पास का टेम्परेचर, तो यहाँ पर है 90 डिग्री से भी कम, मतलब कि 18 डिग्री। यहाँ पर देख सकते बहुत ही ठंडी हवा चल रही, मतलब आप देख सकते कि यहाँ पर जो है बहुत ही हवा ठंडी चल रही है। यहाँ पर देख सकते और भी कम हो रहा है, यहाँ पर मतलब कि 60 डिग्री तक जा सकता है, मतलब इतना ठंडा हवा जो है हमारा कूलर दे रहा है यहाँ पर। तो यार गाइस, आज बना रहे हम एसी, मतलब कि कूलर, कोई भी हो आप बता दो, जो भी बनाना है यार बनाऊंगा हम आज। एसी कर सकते या कूलर कर सकते, बहुत ही अच्छा बनेगा कूलर ये आज का। तो चलिए शुरू करते, लेकिन उसके पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैंने जो एक बाल्टी ली है और बाल्टी को कुछ इस तरीके से काटा है कि मतलब आगे से यहाँ पर कुछ इस तरीके से काटा है, और यहाँ पर आप छेद देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो मैं बताता हूँ आपको ये छेद किस लिए, और यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, मतलब यहाँ पर उंगलियाँ दिख रही है आपको, ओके। तो यहाँ से एक हमारी पट्टी डली कुछ ये वाली, तो इसके ऊपर हमारी मोटर होगी जो कि पंखे के लिए लगेगी हमारी। और यहाँ पर पीछे देख सकते हैं आप छेद है बहुत सारे, यहाँ से मतलब हवा आएगी और बाहर जाएगी, ओके। तो शुरू कर दें, सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं ना, ये रहा हमारा पंखा। तो ये भी मैंने घर पे ही बनाई कुछ अच्छे से, इसको भी बना लिया है। तो और ये हमारी डीसी मोटर कुछ इस तरह की, और ये मोटर चलेगी बड़ी मोटर, बड़ी साइज़ की, जो कि आपको पंखे में, पुराने पंखे में मिल जाएगी, यहाँ पर आपको मार्केट में मिल जाएगी, और ये बहुत ही सस्ते में मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती, ओके। और भाई इसकी बात करें तो ये भी मतलब सस्ते में था, ये पुरानी बाल्टी है। तो शुरू कर दें, सबसे पहले तो हमें चाहिए ये कुछ, मतलब कि अगर आप चाहो तो मार्केट से खरीद सकते, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है यार, मतलब कूलर के लिए वो लगाना पड़ता है, हमारे यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तो उसके आप खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास खरीदने के लिए पैसा ना हो तो मतलब मेरे जैसे आइडिया कर सकते, ये है नारियल के पेड़ में, ओके। तो नारियल के पेड़ में ये बड़ी आसानी से मिल जाता है आपको, नीचे के साइज़ में इसको मिल जाएगा, और ये बहुत ही अच्छे से काम करता है कि मतलब इसको ठंडा रखने का, इसको हम गीला करेंगे बाद में, ताकि इससे जो हवा जो है अंदर बाहर चलती है और अच्छे से ठंडी हवा चलेगी, ओके। तो करते इसको फिक्स करना होगा हमें यहाँ पर, तो मैं सोच रहा अंदर से फिक्स कर लूँ यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर फिक्स करना होगा हमें, तो इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ इस धागे का, सुई धागे का, और यहाँ पर सिलाता हूँ इसको कुछ इस तरीके से, ओके, और फिर दिखाता हूँ आपको मैं। तो ये हो गया हमारा सिला के रेडी। तो यार आप कहोगे कि यार इसको सिलाने से अच्छा होगा तो आप इसको चिपका देते यार, लेकिन चिपकाने में उतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि यार चिपकाने से बार बार निकल जाता तो हमें दिक्कत आती, तो इससे अच्छा इसको सिला ले, और ये सिलने में भी आसान हो तरीका है, थोड़ा अलग लगता है फिर भी अच्छा लग रहा है। चलो अब क्या करेंगे, हम सिंपल से एक लकड़ी लेंगे, कोई भी प्लेट वाली, मतलब अच्छे से सिंपल वाली लेंगे, और क्या करेंगे हमने जैसे कि यहाँ पर एक छेद करके रखे पहले से, तो यहाँ पर फिक्स करना होगा हमें इस लकड़ी को, ओके, ताकि जो है यहाँ से हमारी मोटर डले कुछ इस तरीके से, ओके। तो ये डल गया ये इसके अंदर, अब हम यहाँ पर करेंगे एक डीसी मोटर फिक्स, ओके। तो इसको कर लेते फिक्स, तो मोटर हो चुकी है हमारी यहाँ पर फिक्स कुछ इस तरीके से। तो एक वायर जो वायर मोटर की यहाँ से निकाल ली हमने, और अब हमारा पंखा लगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से, तो पंखा भी लग चुका है, अब हमारा रेडी हो चुका है। बस हमें क्या करना होगा, इसको एक ढकने के लिए कुछ चाहिए, तो मैं इस बर्तन का यूज़ कर रहा हूँ, इसके ऊपर को मैं बाद में इसको पैक भी करने वाला हूँ, लेकिन तब तक के लिए इसको मतलब टेस्टिंग के लिए ये बर्तन रखते हैं ऊपर से हवा ना जाए, ओके। तो रेडी हमारा, सिर्फ क्या करना होगा इसके अंदर जो हमारा ठंडा पानी डालना होगा कुछ, आप चाहो तो इसके अंदर ठंडा पानी के अलावा मतलब बर्फ़ भी डाल सकते हो नीचे, उसके लिए मैं कुछ ये है तो इसको ठंडा रखते ये बहुत ज़्यादा, तो इसको रखता हूँ नीचे और पानी डालता हूँ इसके अंदर, ध्यान रखना यार मोटर के ऊपर ना गिर जाए, बस कुछ दिक्कत नहीं आती,
कूलर के अंदर रहेगा हमारे ये पानी, इसको भी कर लेते गीला ताकि ये रहे हमारा नीला। ओके तो ये भी हो गया गीला, वो बाल्टी को हमने कर लिया पानी से भर लिया, ये भी अच्छे से गीला रहेगा तो हवा आएगी अच्छे से। अब करते हैं इसको टेस्ट। ओके चलो टेस्ट करते हैं। तो टेस्टिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ये चार्जर का पुराने, और यहाँ पर जो है वायर लगेगी हमारी वहाँ पर, तो करते टेस्ट। तो कूलर है हमारा बिल्कुल रेडी, इसको रखते यहाँ पर, करते बटन को ऑन। हो गया चलो, तो हमारा कूलर हो गया पंखा चालू, हो गया तो हमारा कूलर हो गया चालू, मतलब कि पंखा हो गया चालू। और इसको रख देते, आप चाहो तो इसके अंदर बर्फ भी डाल सकते हैं आप, और यहाँ से ठंडी हवा मतलब चलती रहेगी। हमारा कूलर रेडी है। ओके तो आप देख सकते हैं हमारी कूलर के अंदर से मस्त आवाज़ आ रही है यार, और देख सकते हैं इसका लुक कुछ इस तरीके से, और पीछे से भी ठंडी ठंडी हवा चलती रहेगी। तो कूलर रेडी बिल्कुल भी, इस साइड से भी देखो यार, मतलब कि मस्त चल रहा है, और देख सकते हैं इसका लुक कुछ इस तरीके से। आप चाहो तो मतलब परचेस करने से अच्छा है यार, फ्री में बन जाता है, ये कोई दिक्कत नहीं आती। तो यार अगर आपको आई वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करना यार, मतलब बहुत ही ठंडी हवा आ रही है यार, यहाँ से भी ऊपर से ज़्यादा आ रही ठंडी, यहाँ से ज़्यादा अच्छे से ना ऊपर से बहुत आ रही, मतलब कि नीचे से पानी है और यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा बनाने का काम चल रहा है कूलर का हमारा। तो यार वीडियो आई पसंद तो वीडियो को करना एक लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते बहुत जल्द, तब तक के लिए जय।